जिरसखेड़ा में गुरुवार की रात में चोरों ने चार घरों में कुमल लगाकर पुलिस की गश्ती टीम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और थाना मुंडा पांडे में बढ़ती चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार की रात गल्लर नामक एक व्यक्ति के घर में कुमल लगाकर लगभग 60,000 रुपए व उसकी पत्नी की चांदी की चार जोड़ी पायलें चोर लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने सुबह उठकर देखा तो घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और घर में रखे 60,000 रुपए व उसकी पत्नी के जेवरात गायब थे। पीड़ित परिजनों ने डायल 112 को सूचना दी और लिखित में पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। तो वही दूसरी तरफ आकिल व जाने आलम के घर में चोरों ने कुमल लगाया ही था कि परिवार वालों के जाग जाने से चोर भागने में कामयाब हो गए, मगर अब्दुल खालिक अंसारी की दीवार में कुमल लगाकर घर में रखे 4,500 रुपए व कुछ कीमती कपड़े ले जाने में कामयाब हो गए। अब्दुल खालिक ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि मुंडा पांडे क्षेत्र में अचानक चोरी की वारदातें पड़ने से लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है और पुलिस इन घटनाओं को रोकने में असफल नजर आ रही है। सूचना मिलते ही क्राइम इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी राम प्रसाद शर्मा अपनी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घटना स्थलों का मुआयना किया और पीड़ित लोगों को कार्यवाही का आश्वासन दिया। मगर सवाल यह उठता है कि क्या थाना मुंडा पांडे की पुलिस इन चोरियों का खुलासा कर पाएगी या पिछली चोरियों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और चोरों के हौसले इसी तरह बुलंद होते रहेंगे। कहाँ पर रहते हैं? क्या घटना घटी है? मेरे घर कुंबल कटा है। क्या क्या सामान गया? सामान तो कुछ नहीं गया, मगर चार बार हो चुका है ये मेरे यहाँ, जिसमें दो बार मेरा सामान गया है और दो बार खाली गया है। अच्छा, आज तक कोई भी इनकारी में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है अभी तक। आपने लिखित में तहरीर दी थी? तहरीर दी है मैंने थाने में और मेरे पास दी है तहरीर आज रात दोनों बार की। आज रात और कोमल लगा उसकी तहरीर दी आपने? हाँ, आज भी तहरीर दे दी है मैंने। दो टीमें आई हैं, दोनों इनकारी कर ले गई। क्या मांग करना चाहेंगे भाई साहब? हम तो ये चाह रहे हैं कि चोरों को गिरफ्तार करके उनकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्या घटना घटी है? कितने समय चोरी हुई है? दो ढाई बजे के लगभग में हुई है। क्या क्या सामान गया आपका? ये 500 ग्राम चांदी गई है, 60,000 रुपये गए। और घर में कोई जनहानि वगैरह? और कुछ नहीं, और बच्चों के कपड़े चले गए। अच्छा, आपको कैसे सूचना मिली कि आपके घर में चोरी हो गई है? हमारी लड़की साढ़े चार बजे लड़की उठी और अनछड़ी पढ़ने के लिए, उनने जब देखा तो कुमल कटा हुआ नहीं। अच्छा, आपने इस बात की सूचना पुलिस को दी है? जी हाँ। पुलिस आ गई मौके पर? पुलिस आ गई मौके पर। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस वही तहरीर लिख कर ले गई है। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग कर भाई जो जो मुलजिम है उन्हें पकड़ना चाहिए। अच्छा, आपको किसी शक वगैरह है? नहीं, शक नहीं है। कोई चोर पहचान वगैरह में अज्ञात है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।